साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, व्हाट्सअप भी आते हैं, हालांकि वो गल्फ से रिलेटेड है या फिर मलेशिया से रिलेटेड, कहीं कोई भी कंट्री से रिलेटेड मान लीजिए विदेश जाते हैं तो उनको एजेंट मेडिकल के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मेडिकल कौन सी जगह पे होते हैं और कैसे होते हैं। लोग मेडिकल पता नहीं कहाँ कहाँ का एड्रेस दे देते हैं, लोगों से मेडिकल करवा लेते हैं, 8,000 दे दो। सुबह ही एक बंदे का मैसेज आया, सर 8,000 रुपये मेडिकल के मांग रहा है सिंगापुर के। अब बंदा बिहार का जाएगा कहाँ, अहमदाबाद, सॉरी बेंगलोर। अब इतना डिस्टेंस क्या कैसे होता है। तो आज मैंने आपके लिए, मैं बता दूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए आप मेडिकल करा रहे हैं गम का, अगर एजेंट आपको गम का मेडिकल के लिए बोलता है तो आपको माइंड में ये बात रखनी है कि गम का के मेडिकल कहाँ कहाँ होते हैं और उनका एड्रेस क्या है, ये बात आपको नोट कर दूं। तो साथियों मैं बता दूं, अगर आप गमका में मेडिकल करा रहे हैं तो इंडिया में मात्र और मात्र 16 यानी 16 जगह मेडिकल होता है। 16 जगह में भी बहुत सारे एड्रेस अलग अलग हैं। तो मैं आज आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा कि अगर आपको गमका का मेडिकल करवाना पड़े तो इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं और उनके एड्रेस क्या हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी कंट्री की फीस कितनी लगती है इससे रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, क्योंकि रोज इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास आते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल साथ में जरूर दबा लें जिससे सही जानकारी मोटिवेशन आपको मिलता रहे। तो आज साली अपन शुरुआत करते हैं, अगर आप गमका से रिलेटेड मेडिकल करवाते हैं इंडिया में तो कितनी जगह मेडिकल होते हैं। हालांकि एड्रेस मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भाई एड्रेस तो 100 से प्लस हैं। तो मैं आपको ये चिन्ह बता दूं कि 16 गमका मेडिकल गवर्नमेंट अथोराइज 16 जगह ऐसी चिन्हित जगह है जहां पे आप मेडिकल करवा सकते हैं। फर्स्ट में अपन बात करेंगे दिल्ली। अब दिल्ली में भी 11 जगह मेडिकल सेंटर हैं साथियों, मैं बता दूं 11 दिल्ली में 11 मेडिकल सेंटर हैं जो गमका अथोराइज सेंटर हैं, वहां पे आप मेडिकल करवा सकते हैं। आगे बात करेंगे लखनऊ, अगर आप यूपी में हैं लखनऊ में मेडिकल कराते हैं तो 3 मेडिकल सेंटर हैं। आप 3 ही जगह मेडिकल सेंटर हैं, वहीं से करवाओगे तो जेन्युइन है, अलग जगह दूसरी जगह करवाते हो एजेंट के थ्रू तो ये मान लीजिए वो फेक मेडिकल आपका हो रहा है। जयपुर, अगर आप राजस्थान से हैं तो जयपुर में सिर्फ जयपुर में मेडिकल होता है, वो 4 अथोराइज सेंटर हैं उनके, 4 अलग अलग क्लिनिक हैं, वहाँ पे आप मेडिकल करवा सकते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो साथियों अहमदाबाद में 4 मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे आप अथोराइज मेडिकल सेंटर गमका के वहाँ पे आप करवा सकते हैं। आगे बात करेंगे बॉम्बे, बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मेडिकल क्लिनिक सेंटर हैं 20, क्योंकि बॉम्बे लगभग बहुत हैं और वहाँ बॉम्बे बड़ी होने की वजह से वहाँ पे 20 हैं, सबसे ज़्यादा 20 बॉम्बे में हैं, उसके बाद दिल्ली में। आगे बात करेंगे गोवा, अगर आप गोवा में हैं तो आप 4 मेडिकल सेंटर हैं वहाँ गमका के, तो वहाँ पे आपको मेडिकल करवाने होते हैं। हैदराबाद में अगर आप हैं वहाँ पे मेडिकल करवा रहे हैं तो वहाँ पे 7 मेडिकल सेंटर हैं गमका के, वहाँ पे आप मेडिकल करवा सकते हैं। बेंगलुरु में 5 मेडिकल सेंटर हैं, बेंगलुरु वहाँ पे 4 मेडिकल सेंटर हैं। चेन्नई में आपके 7 मेडिकल सेंटर हैं और तिरुची में आपके 5 मेडिकल सेंटर हैं, ठीक है साथियों। सिलिकुट तमिलनाडु में 5 मेडिकल सेंटर हैं, कोचीन केरला में 5 मेडिकल सेंटर हैं, त्रिवेंद्रम केरला 4 मेडिकल सेंटर हैं, तिरूर में आपके 4 मेडिकल सेंटर हैं और मंजीरी में आपके केरला में 4 मेडिकल सेंटर हैं। तो साथियों आज मैंने आपको मेडिकल से रिलेटेड ये बातें बताई हैं, अगर आप मेडिकल करवाना चाहते हैं तो भाई एड्रेस आप मेरे से ले सकते हैं, मैंने आपको बता दी। अब ये अलग अलग मेडिकल सेंटर, जैसे बॉम्बे में 20 मेडिकल सेंटर हैं, दिल्ली में 11 मेडिकल सेंटर हैं, इस तरह से अलग अलग मेडिकल सेंटर है। आप अगर हो सके तो आपको एजेंट प्रोवाइड करवा देगा अगर सही है तो, अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो आप मेरे से मेडिकल सेंटर की लिस्ट आप ले सकते हैं जहाँ पर आप हैं लोकल करवाइए। आप राजस्थान में है, एजेंट आपको बोलता है आप दिल्ली जाके मेडिकल कराओ, क्यों करवाएं भाई, राजस्थान में गम का मेडिकल है तो वहाँ का क्या नहीं चलेगा। अब बंदा है गुजरात का, उसको बोलता है आप पंजाब में मेडिकल कराओ, क्यों करवाएं भाई, रीजन क्या है इसका, इसका मतलब एजेंट 420 ही करेगा आपके साथ, वरना तो बोल सकता है गम का मेडिकल करवा के आप मेडिकल लेके आप ऑफिस में आ जाओ, अगर जेन्युइन काम है तो ऐसा होना चाहिए। बाकी एजेंट तो बोलते हैं नहीं जी हमारे पास, हम जो एड्रेस देंगे वहीं पर मेडिकल कराओ, इसका मतलब क्या होता है, चीटिंग पूरा का पूरा, फ्रॉड मेडिकल सेंटर हो रहा है, मेडिकल करवा लेते हैं वीजा आता नहीं है, पैसा खा जाते हैं। तो ये है सच्चाई, मेडिकल से रिलेटेड 16 अथोराइज सेंटर हैं, उनके अलग अलग सेंटर हैं, तो 100-150 से ऊपर 100 के करीब हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप मेडिकल करवाइए, अगर आपका जेन्युइन काम हो रहा है तो आपके सिस्टम सामने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेडिकल, कौन से मेडिकल की कितनी फीस लगती है उससे रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, एक नए चैनल कानून से रिलेटेड उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब करें जिससे आपको कानूनी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।